हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल सोनकर फ्रॉम आईटी रुड़की और आप देख रहे हैं स्पीड अप। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीचर ग्रेड थर्ड और लेवल टू का वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, इसका एप्लीकेशन 3 अगस्त 2018 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कल से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, आज 4 तारीख हो गया है। तो दोस्तों, आप इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, और इसके लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट आपका 23 अगस्त है। लास्ट डेट कब है आपका? 23 अगस्त 2018 को है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि 3 अगस्त से आपका पेपर फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट कब है? 23 अगस्त। तो आप जितनी जल्दी जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लीजिए उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में रश बहुत ज्यादा होता है, भीड़ बहुत ज्यादा होता है, तो सर्वर डाउन हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप इसको जल्दी जल्दी फॉर्म आज ही फिलअप कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो लास्ट डेट आप याद रखिएगा 23 अगस्त 2018 है, और इसके लास्ट डेट आप पे फीस का भी डेट 23 अगस्त ही है। आपको 23 अगस्त के पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है और इसका पे भी आपको फिलअप करना है। ठीक है, पेमेंट भी आपको 23 अगस्त के पहले पहले कर देना है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट का अभी कोई भी डेट राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी कोई इश्यू नहीं किया हुआ है कि एग्जाम डेट क्या होगा। जो भी नोटिफाई हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, राजस्थान की तरफ से जल्दी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जैसे आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए फीस 100 रुपीज है। ठीक है, ओबीसी बच्चों के लिए 70 रुपीज है, और जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 60 रुपए का फीस रखी गई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका एज लिमिट कितना है। तो दोस्तों, इसका एज लिमिट है 18 ईयर से लेके 40 ईयर के बीच के आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे जो कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा जो मिलता है वो एज ए पर रूल वो आप उनको मिलेगा। ठीक है, जो कैटेगरी स्टूडेंट के बच्चे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, आपका कोई भी स्ट्रीम हो ये डिपेंड नहीं करता है, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही आपको 2 ईयर का कोई बीएड कोर्स, बीटीसी, आर इक्विवेलेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि इसका 3 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट कितना है? 23 अगस्त। 23 अगस्त आपको रजिस्ट्रेशन करने का और फीस जमा करने का दोनों लास्ट डेट कितना है? 23 अगस्त को है। तो आप जल्दी जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसमें 28,000 पोस्ट आई हुई है। कितनी पोस्ट आई हुई है आपकी? आपकी पोस्ट आई हुई है 28,000 टोटल पोस्ट आई हुई है राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ से। आपका पोस्ट नेम क्या है? टीचर ग्रेड 3 लेवल 2। इसकी तरफ से टोटल कितनी पोस्ट आई हुई है? टोटल आई हुई है 28,000 पोस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास पोस्ट है, तो एक बार आपके पास चांस है इसमें सेलेक्ट होने का। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके पोस्ट के बारे में, एक एक पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पोस्ट है वो इस हिसाब से है। सबसे पहले पोस्ट नेम, अच्छा पोस्ट नेम सारा आपका टीचर ग्रेड 3 लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, अब इसके सब्जेक्ट और कुछ स्पेसिफिक टाइप के हैं और उसके एरिया क्या क्या हैं और टोटल पोस्टें कितनी हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितनी कितनी पोस्टें हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश की, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में देखें तो टाइप जनरल, जनरल के टाइप में और नॉन टीएसपी, मतलब की नॉन टीएसपी मतलब क्या होता है? नॉन टीएसपी मतलब होता है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, नॉन टीएसपी क्या होता है? गैर अनुसूचित क्षेत्र, और टीएसपी मतलब क्या होता है? अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको। ठीक है, नॉट टीएसपी, नॉट टीएसपी क्या होता है? गैर
ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे इसके वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो टोटल वैकेंसी कितनी आई है, टोटल वैकेंसी आई हुई है 28,000 पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी आई हुई है 28,000 पोस्ट, ठीक है। हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज टाइप वाइज एरिया वाइज और टोटल कितनी पोस्ट आई हुई है, ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट की, इंग्लिश सब्जेक्ट के जनरल टाइप में नॉन टीएसपी एरिया में कितनी पोस्ट आई हुई है, 9,178 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। अगर हम इसी में स्पेसिफिक टाइप की बात करें, स्पेशल टाइप की बात करें और नॉन टीएसपी एरिया में आपका आया हुआ 268 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। और बात करें जनरल कैटेगरी की, टीएसपी में कितनी पोस्ट आई हुई है आपकी, 1452 पोस्ट आई हुई है। और स्पेशल में टीएसपी में 18 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। और जनरल, अब बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट में जनरल की नॉन टीएसपी 4,762 पोस्ट आई हुई है। और स्पेशल और नॉन टीएसपी की बात करें तो 138 आई हुई है। अब जनरल टीएसपी की बात करें तो 586 पोस्ट आई हुई है और स्पेशल टीएसपी की बात करें तो 18 पोस्ट आई हुई है। ये रही आपकी हिंदी की पोस्ट। अब बात करते हैं साइंस और मैथ की पोस्ट की। तो जनरल एंड नॉन टीएसपी पोस्ट है 5,728, ठीक है। और स्पेशल नॉन टीएसपी कितना है, 172। और जनरल टीएसपी कितना है, 1361। और स्पेशल टीएसपी कितना है, 18। ये हो गई बात आपकी साइंस और मैथ सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं सोशल स्टडीज की। तो जनरल नॉन टीएसपी की पोस्ट है 2800 और स्पेशल नॉन टीएसपी की पोस्ट कितनी है, 100, ठीक है। अब जनरल टीएसपी की हो 331 और स्पेशल टीएसपी की है 18, ठीक है। अब बात करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की, ठीक है। तो संस्कृत सब्जेक्ट की जनरल नॉन टीएसपी की है 623 और जनरल टीएसपी की है 184 पोस्ट, ठीक है। ये रहा आपका संस्कृत का। अब बात करते हैं हम सिंधी सब्जेक्ट की पोस्ट की। तो सिंधी सब्जेक्ट में देखिए तो इसमें जनरल और नॉन टीएसपी की 55 पोस्ट है, ठीक है। सिर्फ इसमें जनरल और नॉन टीएसपी की है और वो है 55 पोस्ट। अब बात करते हैं उर्दू सब्जेक्ट की। उर्दू सब्जेक्ट में जनरल नॉन टीएसपी की 125 पोस्ट है और जनरल टीएसपी की 25 पोस्ट है। तो दोस्तों ये रहा आपका राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचिंग ग्रेड 3 और लेवल 2 पोस्ट का नोटिफिकेशन। और आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 2-3 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, जो कल से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट कितना है, 23 अगस्त। लास्ट डेट आप ध्यान रखिएगा, कितना लास्ट डेट है, 23 अगस्त। रजिस्ट्रेशन करने की और फीस पेमेंट करने की भी डेट ही 23 अगस्त है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा और किस चीज के बारे में आपको जानना है, आप प्लीज कमेंट कर लो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच गाइस।